Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today our topic about pest of ornamental plants. So first ornamental pest है Aphis gossypii. Gossypii. So order है Homoptera aphidi family. इसका larva and adult feed on young growth. फ्लावर स्पाइक्स एंड डेवलपिंग फ्लावर बर्ड्स मीन्स जो एफिस गॉसिपी का लार्वा है होमोपटेरा फैमिली है इसकी ऑर्डर है ये फीड करता है जो इसका लार्वा एंड अडल्ट है वो यंग ग्रोथ पे फीड करता है फ्लावर स्पाइक्स पे एंड डेवलपिंग फ्लावर बर्ड पे सो अट्रैक्टेड टू द फ्लूइड एक्सक्रीटेड बाय सम ऑर्चिड व्हेन दे फ्लावर फ्लावर बिकम मोल्टेड एंड डिस्टॉर्टेड ये है एफिस ये इसकी होगी लार्वल स्टेज जो व्हाइटिश कलर की ये इसका अडल्ट है ये इसकी लार्वल स्टेज से जो अडल्ट ही स्टेज है लेकिन ये थोड़ा सा इसकी डेवलपिंग स्टेज होगी इसका जो कंट्रोल है कंट्रोल इसका कैसे करते हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज नॉट एडवाइजेबल यूजली जस्ट स्प्रे विद इंसेक्टिसाइड और सॉप ऑन द सरफेस वेयर यू कैन सी द हनीड्यू प्रोड्यूस्ड बाय द एफिड्स मींस इसमें पेस्टिसाइड नहीं यूज करना चाहिए जो इंसेक्टिसाइडल सॉप्स है उनका जो है वो स्प्रे यूज करना चाहिए नेक्स्ट जो है इसका वो है लैनोकॉकस सिट्री जो अट्रैक्ट होते हैं सिट्रस प्लांट की तरफ तो इसका जो कंट्रोल है जो इसमें लेडी बर्ड एज ए प्रीडेटर एक्ट करती है नेक्स्ट है टेट्रानाइकस यूरिटिसे इसमें है प्रोड्यूस सिल्क वेब टेट्रानाइकस इंस्पेक्ट चेक अंडरसाइड लीफ होता है ठीक है ये है प्रीडेटरी इसके जो प्रीडेटरी माइट्स हैं वो है नियोसाइपल कैलिफोर्निकस एंड फाइटोसैनिथस फेरीमाइलिस एंड इसका जो नेक्स्ट है सेम इंसेक्टिसाइडल सॉप सो ये तीन के आपको जो जो इनके मेनली जो नेम है वो पता आपको होना चाहिए फर्स्ट जैसे है एफिस गॉसिपी होमोपटेरा में है नेक्स्ट है अगर क्वेश्चन आपको आए कि ऑर्नामेंटल पेस्ट कौन से हैं लैनोकोकस सिट्री नेक्स्ट है टेट्रानाइकस यूट्रेसी नेक्स्ट है ट्रिप्स इसका है इन्फेक्टेड प्लांट बट इसके जस्ट आपको नेम्स याद करने हैं जो मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स है नेक्स्ट आएंगे आपके स्पाइसेस उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है इसमें क्या है ट्रिप्स और इसका कंट्रोल है सेम जो लेडी बर्ड बीटल है वो इनके जो लार्वल है जो इनकी एग स्टेज है उनके ऊपर फीड करती है नेक्स्ट जो मेन आपके आएगा ऑर्नामेंटल के अलावा जो आएगी स्पाइसिस स्पाइसेस में आपको मेनली करना है सबसे पहली जो फर्स्ट स्पाइसेस है इसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो आपको स्पाइसेस में से आएगा अगर ऑर्नामेंटल प्लांट का आए भी तो वो जस्ट आपको नेम ऑफ द पेस्ट होगा जैसे फोर नेम है आपको उनके नेम्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है तो फर्स्ट जो आपकी स्पाइसेस है वो है ब्लैक पेपर सो ब्लैक पेपर क्या है पाइपर निग्रम इज ए फ्लावरिंग वाइन इन The family Papyraceae dried ground pepper has been used since quantity both for its flavor and as a traditional medicine. Black pepper is the world most traded spice and is one of the most most common spices added to the cuisines around the world. Means agar uses of black pepper question aaye to aap likh sakte ho ki jo black पेपर है ये क्या है ड्राइड ग्राउंड पेपर हैज बीन यूज्ड इन एंटीक्विटी बोथ फॉर इट्स फ्लेवर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है सो ये कॉमनली वर्ल्ड वाइड जो है यूज की जाती है तो मेनली इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर ये इम्पोर्टेंट है जो अगर डिटेल में आएगा तो वो ब्लैक पेपर का सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर क्या है सबसे पहले फर्स्ट है पोलू बीटल सेकेंड है लीफ गाल ट्रिप्स पेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर का फर्स्ट पेस्ट है जो वो है पुल्लू बीटल सेकेंड वन इज लीफ गाल ट्रिप्स साइंटिफिक नेम ऑफ पोलू बीटल इज लॉन्गिटार्सस निग्रीपेनिस लॉन्गिटार्सस निग्रीपेनिस ऑर्डर इज कॉलियोपटेरा नेक्स्ट इज
लीफ गाल ट्रिप्स में है, साइंटिफिक नेम इज लायोट्रिप्स काइरी एंड ऑर्डर इज थाइनोपटेरा, मीन्स ऑर्डर एंड जो साइंटिफिक नेम है उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। फर्स्ट 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इंसेक्ट ऑफ द ब्लैक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द ब्लैक पीपल विद देयर साइंटिफिक नेम, एंड साइंटिफिक नेम क्या है, लॉन्गी टैरसिस निग्रीपेनिस एंड लाइनोट्रिप्स काइरी। सो कॉमन नेम इज पोलो बीटल एंड सेकेंड वन इज लीफ गाल ट्रिप्स। सो ऑर्डर ऑफ द पोलो बीटल इज कॉलियोपटेरा एंड लीफ गाल ट्रिप ऑर्डर इज थाइनोपटेरा। फर्स्ट इज पोलो बीटल, आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट। फर्स्ट वन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन इज एग। एग इज ओवल शेप्ड, एग आर लेड ऑन दी बेरीज एंड वन एंड टू एग्स आर लेड इन ईच होल। एग पीरियड इज 5 to 8 days। सो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट इन लाइफ साइकिल इज द एग इज इन ओवल शेप्ड एंड एग्स आर लेड ऑन दी बेरीज एंड वन टू एग्स आर लेड इन दी ईच होल और दी पॉट एंड द एग पीरियड ऑफ द ब्लैक पेपर इंसेक्ट इज 5 to 8 days। सेकेंड स्टेज लार्वल स्टेज which is known as a grub stage. Grub is yellowish with black head and grub period is 30 to 32 days. So अगर हम complete life cycle की बात करें तो days count कर सकते हैं, तो mostly इसका 50 के around जो है life cycle होगा। yes, 40 to 50 days का life cycle है। तो क्या है, ग्रब इज ए लार्वल स्टेज, ग्रब इज ए येलोइश विद ब्लैक हेड, ग्रब पीरियड इज 30 to 32 days। प्यूपा, थर्ड वन स्टेज इज प्यूपा। प्यूपा अकर्स इन सॉइल इन द डेप्थ ऑफ 5 to 7 centimeter, प्यूपल पीरियड इज 6 to 7 days। अडल्ट, अडल्ट इज ए ब्लूइश येलो शाइनिंग फ्ली बीटल विद ए स्टाउट हाइंड लेग्स। सो दिस इज ए अडल्ट। सो लाइफ साइकिल ऑफ ए पोलो बीटल इज कम्प्लीटेड इन 40 to 15 days, 4 ओवरलैपिंग जनरेशंस इन ए ईयर। सो मेनली अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इज द इन द पोलो पीपर इज ए कम्प्लीट लाइफ साइकिल। एग इज ए ओवल शेप, एग लेड ऑन द बेरीज एंड एग पीरियड इज 5 to 8 days। ग्रब इज ए लार्वल ऑफ पोलो बीटल, ग्रब इज येलोइश विद ब्लैक हेड एंड ग्रब पीरियड इज 32 days। प्यूपेशन इज ए थर्ड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। प्यूपेशन अकर इन ए सॉइल, प्यूपेशन पीरियड इज 6 to 7 days। नेक्स्ट इज अडल्ट, अडल्ट इज ब्लूइश येलो शाइनिंग इन कलर एंड लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 40 to 50 days। सो डैमेज सिम्टम्स ऑफ ए पोलो बीटल, डैमेज सिम्टम्स, द अडल्ट फीड ऑन ए टेंडर शूट स्पाइक्स एंड बेरीज। मीन्स लाइफ साइकिल इज ए कंप्लीट लाइफ साइकिल, सो अडल्ट एंड प्यूपल, अडल्ट एंड लार्वल स्टेजेस की जो फीडिंग हैबिट है वो डिफरेंट होगी। फर्स्ट डैमेज सिम्टम इज द अडल्ट फीड्स ऑन टेंडर शूट्स स्पाइक्स एंड बेरीज, द इन्फेस्टेड शूट्स एंड स्पाइक्स टर्न्स ब्लैक एंड ड्रॉप, ऐसे ये ब्लैक में टर्न कर जाएगी। द ग्रब ऑन अबर्जेंस बोर इन टू द बेरीज फीड ऑन द इंटरनल कंटेंट एंड मेक दैम हॉलो, द इन्फेस्टेड बेरीज टर्न येलो अनिशली एंड देन ब्लैक एंड क्रम्बल वेन प्रेस्ड। द पेस्ट पॉपुलेशन इज मोर सर्व इन शेडेड एरियाज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द जनवरी टू अप्रैल। द अडल्ट डू नॉट ब्रीड बट रिमेन इन द फील्ड फीडिंग ऑन ओल्डर लीव्स। मीन्स अगर हम डैमेज सिम्टम्स की पॉइंट्स की बात करें तो अडल्ट है जो अडल्ट फीड ऑन द स्पाइक्स एंड बेरीज एंड द स्पाइक्स टर्न्स ब्लैक एंड ड्रॉप एंड द ग्रब द लार्वल स्टेजेस फीड ऑन द इंटरनल कंटेंट एंड मेक देम द हॉलो एंड द इन्फेक्टेड बेरीज टर्न इंटू येलो एंड इन इनिशियल स्टेज टर्न इंटू येलो एंड देन ब्लैक इन कलर। सेकेंड वन इज लीफ गाल ट्रिप, आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट।
फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट. सो द लाइफ साइकिल इज एग, निम्फ, प्यूपा एंड एडल्ट. मीन्स लीफ, गाल, ट्रिप्सेट, कंप्लीट लाइफ साइकिल. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट इज एग. एग आर लेड इन ए सिंगल विद इन द मार्जिन लीफ, फोल्ड ऑन द लीफ सर्फेस. सो एग पीरियड इज 6 to 8 days. निम्फ, whitish and sluggish, and nymph period is 19 to 13 days. Third stage is the pupal stage. Pupal stage 2 to 3 days, and adult black and heavenly fringed wings. Adult longevity is 7 to 9 days. So damage symptoms by the leaf gall trips. Infestation by the leaf gall trips is more serious at higher altitude, especially in younger vines and also in the nurseries. The feeding of the trips on tender leaves causes the leaf margin to curl down and inwards, resulting in the formation of the marginal leaf gall. The infested leaves become thick, malformed, and wrinkled. सो मेन जो जिन पे इफेक्ट आएगा वो क्या होगी, लीव्स थिक हो जाएंगे, मालफॉर्म्ड हो जाएंगे एंड रिंकल्ड हो जाएंगे. द लाइफ स्टेज ऑफ इंसेक्ट कैन बी सीन विद इन द गॉल. द सर्व स्फीयर केसेस ऑफ द इन्फेस्टेशन द ग्रोथ ऑफ यंग वाइन्स इज इफेक्टेड. नेक्स्ट इज सिनेमन. सो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो आपके स्पाइसेस के ऊपर आ सकता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में ब्लैक पेपर पे भी आ सकता है. राइट एनी टू पेस्ट विद देयर डैमेज सिम्टम्स ऑफ ब्लैक पेपर. सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो सिनेमन पे भी आ सकता है. यूजेस ऑफ सिनेमन एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिनेमन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेमन, all are the member of the जो आपको ornamental plants है ना, ornamental जो plants है उसमें आपको 5 marks और 10 marks का question नहीं आएगा. उसमें just names आते हैं कि ornamental plants के जो name है pest के वो क्या होंगे. ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं आपको उसकी अलग से एक PDF send कर दूंगी. Cinnamon क्या है? All are the members of the genus Cinnamon in the family Lucrezia. Cinnamon is an evergreen tree characterized by the oval-shaped leaves, thick bark, and a berry fruit. When harvesting the spice, the bark and leaves are the primary part of the plant used. अपने forestry subject पढ़ा था, forestry में था major and minor forest products. So ये cloves, cinnamon, black pepper, ये सारा क्या है? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं. ठीक है, सिनेमन इज यूज्ड मेनली एज एन एरोमेटिक कॉन्डिमेंट एंड ए फ्लेवरिंग एडिक्टिव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कुजीन, स्वीट्स एंड सेवरी डिशेस, ब्रेकफास्ट, स्नैक फूड्स. द अरोमा एंड द फ्लेवर ऑफ द सिनेमन ड्राइव फ्रॉम इट्स एसेंशियल ऑयल एंड प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट सिनामेलहाइडिडाइड एज वेल एज ए न्यूमरस अदर कॉन्सिक्वेंट्स इंक्लूडिंग द इगोनोल. So main concentration on insect pest of the cinnamon. First insect pest of the cinnamon is cinnamon butterfly. First is cinnamon butterfly. So butterfly है तो क्या होगा? Order Lepidoptera. Second name of the insect pest is the leaf miner. Leaf miner. So first is सिनेमन बटरफ्लाई. सो बटरफ्लाई साइंटिफिक नेम इज पेपिलियोक्लाइटिया. पेपिलियोक्लाइटिया एंड ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा. सेकेंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिनेमन इज लीफ माइनर एंड साइंटिफिक नेम ऑफ लीफ माइनर इज कोनोमोर्फा किविका. कोनोमोनोमोर्फा किविका. सो फर्स्ट इज सिनेमन बटरफ्लाई, सेकेंड इज लीफ माइनर बटरफ्लाई. इसको नोपोमार्फा भी बोल देते हैं. को नोपोमार्फा सिविका. को सी ओ को एन ओ पी ओ एम ओ आर पी एच ए. सो ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा. इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिनेमन फर्स्ट इज सिनेमन बटरफ्लाई. सो सिनेमन बटरफ्लाई
दिस इज सिनेमन बटरफ्लाई, कलरफुल. सो अगर हम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स की बात करें सिमी बटरफ्लाई की, तो आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो लेपिडोप्टेरा के हैं वही आपके माइंड में आने चाहिए, क्योंकि लेपिडोप्टेरा में जितने भी होते हैं ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, और मोस्टली इसमें बटरफ्लाईज एंड मोथ्स आते हैं. एग क्या है इसका? अडल्ट ले एग ऑन द टेंडर लीव्स एंड दे हैच इन 3 to 4 days. सो एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट मीन्स कंप्लीट लाइफ साइकिल है. सो अडल्ट लेज एग ऑन द टेंडर लीव्स एंड देन दे हैच इन 3 to 4 days. लार्वा न्यूली हैच लार्वा आर ए पेल ग्रीन विद ए पेल ग्रीन पेल येलो डॉर्सल लाइन एंड इरेगुलर वाइट स्ट्राइप. फुली ग्रोन लार्वा एंड डार्क ब्राउन एंड येलो विथ 4 rows ऑफ रेड स्पॉट्स ऑन दी साइड्स. मीन्स अब अगर अडल्ट की बात करें तो ये एग हैच करते हैं 3 to 4 days में, इसके एग हैचिंग हो जाते हैं, ठीक है, एग ले करते हैं टेंडर लीव्स में. और जो लार्वा है न्यूली हैच लार्वा वो पेल येलो कलर एंड पेल येलो डॉर्सल लाइन होगी. एंड लार्वल पीरियड इज 11 to 17 days. नेक्स्ट इज प्यूपल स्टेज. प्यूपा आर अलोंगेटेड एंड ब्राउनिश ब्लैक. प्यूपल पीरियड लास्ट फॉर 11 to 13 days इज अ प्यूपेशन पीरियड. अलोंगेटेड एंड ब्राउनिश ब्लैक कलर. अडल्ट आर ए लार्ज साइज बटरफ्लाई विद ए विंग स्पैन ऑफ अबाउट 90 mm एंड अकर इन टू फॉर्म नेमली क्लाइटिया एंड द डिसिमाइलिस. द फॉर्म क्लाइटिया मिक्स यूरोपिया एंड द ब्लैकिश ब्राउन विंग्स विद ए सीरियस ऑफ ए एरो हेड शेप्ड वाइट स्पॉट ऑन द आउटर मार्जिन. सो मेनली जो सिनेमन बटरफ्लाई है ये क्या करती है, मिमिक करती है, ठीक है, इसके जो विंग्स हैं इसमें हॉरिजॉन्टल, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो इसमें ब्लैक कलर के मार्जिन्स प्रेजेंट है जो हॉरिजल एंड वर्टिकल होगा. इसमें जो एंगल होगा मार्जिन एंगल प्रेजेंट होगा, एनल एंगल प्रेजेंट होगा, और एनल एंगल से इसकी जो लाइंस है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगी. सो डैमेज ऑफ द सिनेमन बटरफ्लाई. द लार्वा ऑफ द सिनेमन बटरफ्लाई फीड ये अभी मैसेज कौन कर रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है? ये मैम ओके. डैमेज क्या है? द लार्वा ऑफ द सिनेमन बटरफ्लाई फीड वेरेक्सली ऑन द टेंडर एंड पार्शली मच्योर लीव्स. इन केस ऑफ सर्व इन्वेस्टेशंस द इंटायर प्लांट इज डिफोलिएटेड एंड ओनली द मिडरिब्स ऑफ द लीव्स विद पोर्शंस ऑफ वेन्स आर लेफ्ट ऑन द प्लांट. सो इन दिस डैमेज ओनली द पोर्शन ऑफ द वेन्स आर लेफ्ट ऑन द प्लांट. जंग प्लांट्स आर ऑफन कंप्लीटली डिफोलिएटेड बाय द पेस्ट. सो इसमें क्या है, एडवर्सली इफेक्टेड द प्लांट ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो मेनली जो सिनेमन बटरफ्लाई का लार्वा है वो मच्योर लीव्स के ऊपर फीड करेगा एंड पूरे अच्छे से वो डिफोलिएट हो जाएगी एंड जो पोर्शन है उसमें लीव्स में जस्ट जो वेन्स वाला पोर्शन है वो बचेगा, अदरवाइज ये कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज क्लोव, जिसको हम लॉन्ग बोल देते हैं, क्लोव. ये है सिजिजाइपम एरोमेटिसम, यूज्ड एज ए स्पाइस फॉर इट्स अरोमा, मेडिसिनल यूज एंड नॉन कलरी यूजेस. स्टेम बोरर, फर्स्ट वन इज क्लोव का क्या है, स्टेम बोरर, जिसका नेम है हाइड्राडेरिस मेलिबेरिकस. हाइड्राडेरिस मेलिबेरिकस. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ द क्लोव इज स्टेम बोरर. लार्वा ऑफ द क्लोव पेस्ट इज सिलेंड्रिकल ऑफ पेंसिल थिकनेस विथ हेमिस्फेरिकल हेड. अडल्ट इज ग्रेश ब्राउन मोथ. मीन्स मोथ है तो कॉलियोपटेरा. डैमेज क्या होगा, कैटरपिलर बोर इन टू द स्टेम रिजल्टिंग इन द इमीडिएट ड्राइंग अप टू द प्लांट अबव द पॉइंट ऑफ अटैक एंड कॉज डेथ अल्टीमेट डिफोलिएटेड एंड विल्ट. सो ये जो तीन स्पाइसेस है, क्लोव का आपको वन करना है, उसके बाद है सिनेमन के आपको इंसेक्ट पेस्ट, टू इंसेक्ट पेस्ट एंड
ब्लैक पेपर के टू इंसेक्ट पेस्ट जो है आपके जो स्पाइसेस में इम्पोर्टेंट रहेंगे।